हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस्पारा ट्यूटोरियल्स। और मैं हूँ श्वेता बाला, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। हमारा आज का वीडियो लेक्चर है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये क्वेश्चन जो हैं सीएसआईआर नेट में पूछे जा चुके हैं। सो मेरा आज का ये लेसन बनाने का पर्पस ये है कि आप थ्योरी पोर्शन के साथ साथ ये भी समझते जाएं कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इन थ्योरी पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑलरेडी मैंने बताया है कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं इसको अगर हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ये काफ़ी वास्ट है और क्वेश्चंस जो है इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं। ये बेसिकली जो है उनके ओवरव्यू पे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप क्वेश्चंस को एनालाइज करें एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। ओके, दिस विल हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम। ओके, एग्ज़ाम के लिए टाइम मैनेजमेंट करने में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये जून 2012 का था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द वर्ड फर्मेंटेशन इज यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी टू डिनोट डिफरेंट फेनोमेनन। इफ द फॉर्मर इज कॉल्ड सी एंड लेटर इज कॉल्ड टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्मेंटेशन वर्ड जो है बायोकेमिस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। बट जो जिस संदर्भ में हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में जब हम फर्मेंटेशन की बात करेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे सी से, और जब हम माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, टी से। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोड्स हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो जब भी इस तरह के कोड्स टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप स्टेटमेंट में कोशिश करें जो ओरिजिनल वर्ड है इसका वो डाल के स्टेटमेंट्स को रीड आउट करने का। इससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला है जो स्टेटमेंट क्या है, ऑल सी इज टी बट ऑल टी इज नॉट सी, यानी सारे बायोकेमिकल फर्मेंटेशन जो हैं वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होते हैं। ठीक है, वो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी होते हैं, बट सारे माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो हैं वो बायोकेमिकल फर्मेंटेशन नहीं होते हैं। सो इज़न्ट इट ट्रू, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग देख लेते हैं एंड जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको हम मार्क करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑल टी इज सी बट सी इज नॉट टी, यानी सारे माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो है यानी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी जो है वो बायोकेमिकल फर्मेंटेशंस होती हैं। ठीक है, बट जो बायोकेमिकल फर्मेंटेशन है वो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन नहीं है। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज टी इज अ प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हाइल सी इज नॉट। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो भी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन हम करते हैं, वो सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट हैं। सो नहीं, अभी हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था इथेनॉल प्रोडक्शन का, वहाँ हमने डायरेक्टली माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया था, उसमें किसी तरह का अल्टरेशन नहीं की थी हमने। ओके, किसी तरह का आरडीटी टूल का इस्तेमाल नहीं किया था हमने। सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट ऑल द माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी आर द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या वी यूज माइक्रोब्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग।
okay, but that microbial technology is not a product of genetic engineering. So this statement is also false, or okay. And the last one is C is always an aerobic process, while T can be aerobic or anaerobic. So this is also wrong statement. So the correct one is option number one. Okay. So इस तरह से आप statements को देख लें, तो आप जो words है उसको डाल करके जब देखेंगे तो statement बहुत easily clear हो जाएगा and समझने में भी आपको काफी आसानी होगी, ठीक है? Next question देखते हैं. यह है December 2013 का. So question पूछा जा रहा है, which of the following microbial fermentations are anaerobic? Okay, तो अभी मैंने इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से मैंने इथेनॉल एंड एसीटोन ब्यूटेनॉल का प्रोडक्शन बताया है. जिन लोगों ने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, आप डिस्क्रिप्शन, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं. ओके, या तो मेरे चैनल पे जाकर के भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो वहां हमने देखा था कि इथेनॉल एंड एसीटोन या ब्यूटेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया के थ्रू या फैकल्टेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है. वहाँ पे हमने देखा था कि माइक्रोब्स जो थे इनिशियली उनके ग्रोथ के लिए हम एयर प्रोवाइड करते हैं, बट जब उनका ग्रोथ हो जाता है देन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और द एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल व्हाट वी डू, वी जस्ट विड्रॉ द ऑक्सीजन, ओके, एंड क्रिएट अ एनएरोबिक सिचुएशन. And because of this anaerobic stress, these microbes start producing ethanol or acetone and butanol. Okay? तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ethanol का production है या acetone या butanol का जो production है वो एक तरह का stress response है. जब microbes stress situation में होते हैं then for their survival they restrict their growth. And for their survival, they start producing these products as a byproduct. Okay? So the option one is anaerobic fermentation. Okay? So this is the correct option. Rest options ke baare mein baat kar le. So citric acid and propionic acid. Citric acid is a completely aerobic process because it needs continuous flow of oxygen. If there is any interruption in the oxygen supply, then it harshly affect the production of citric acid. And यहाँ पे जो microbes हैं उनके growth के लिए वो oxygen बहुत ही important होता है, और अगर किसी भी तरह से oxygen की supply में किसी तरह का interruption होता है तो उनकी growth पे effect होता है और citric acid के production में भी असर पड़ता है. So this is the aerobic process. Okay? Aerobic process. यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ए ई इट मीन्स एरोबिक, ओके, एंड एनएरोबिक आई डू नॉट विथ ए एन, ओके. नेक्स्ट इज पेंसिलिन एंड विटामिन बी 12. सो पेंसिलिन का प्रोडक्शन भी एक एरोबिक प्रोसेस होता है. इसके लिए भी जो माइक्रोब्स हैं उन्हें लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लगातार सप्लाई की ज़रूरत होती है. सो ऑल दिस आर द एरोबिक प्रोसेसेस, ओके. Only one, that the option number one, ethanol and acetone butanol production is the anaerobic process. Okay, so the correct option is option number one. Next, this is from December 2014. So during the production of alcohol by fermentation using budding yeast, oxygen supply is kept limited. Why? सो यहाँ पे मैं बता दूँ, बडिंग ईस्ट को हम लोग सैकेरोमाइसिस सर्विसा के नाम से जानते हैं, एंड इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और द वी कैन से इथेनॉल, ओके. सो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हमें एन एरोबिक सिचुएशन चाहिए होती है. क्यों चाहिए होती है ये भी मैंने बताया, ठीक है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा देखते हैं. ऑप्शन वन को पहले, बडिंग ईस्ट आर ऑब्लिगेट एनएरोब एंड कैन नॉट टॉलरेट द ऑक्सीजन. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट.
budding yeast lose mitochondria in the absence of oxygen. Third is budding start facultative anaerobes. And fourth is alcohol oxidize further in the presence of oxygen. So, मैंने अभी बताया था कि जो एथेनॉल प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं. इनिशियली दे नीड वी प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और द एथेनॉल. व्हाट वी डू, वी रिड्यूस और वी इंटरप्ट द ऑक्सीजन सप्लाई एंड क्रिएट अ एनएरोबिक सिचुएशन. ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज दे आर द फैकल्टेटिव एनएरोब. दैट्स व्हाई वी लिमिट द ऑक्सीजन सप्लाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम दिसंबर 2011. हियर द एंजाइम्स आर नाउअडेज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोप्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. सो आज की डेट में बायोप्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर एंजाइम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है. तो यहाँ पे दो एंजाइम्स के बारे में उनके जो फीचर्स हैं उन्हें बता दिया गया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फीचर हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन से एंजाइम्स का पेयर है जो कि इन सारे फीचर्स को फुलफिल कर रहा है. ओके, सो एंजाइम वन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्स to provide a finer texture in leather processing and manufacture of glue. Okay, and enzyme 2 is used for the clarification of fruit juices. So सबसे पहले बात करते हैं leather industry के बारे में, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं. So leather industries जो है generally proteolytic या lipolytic जो enzymes होती हैं उनका इस्तेमाल करती हैं for the leather processing. Okay, सो अल्कलाइन प्रोटीज जो होता है जनरली सोकिंग यानी जो इनिशियल फेज होता है उसमें ऐड किया जाता है ताकि जो भी स्किन पे हेयर्स होते हैं या वूल्स हैं वो हट जाएं. ओके, सो फॉर द डी हेयरिंग और डी वूलिंग वी यूज द प्रोटीजेस. ओके, ताकि हमें फाइनल क्वालिटी के लेदर्स मिल सके. ठीक है, सो सबसे पहला क्या हो जाएगा, एंजाइम वन इज प्रोटीज. ओके, विच इज यूज इन द लेदर इंडस्ट्री. And second is the pectinase. Okay, so in fruit juice industries, we use pectinase because pectinase is used for the clarification of juice by breaking down the polysaccharide pectin. ये क्या करता है pectinase, जो pectin होता है plant के cell wall में, उसको क्या करता है वो ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिसके वजह से जो ओवरऑल येल होता है जूस का वो बढ़ जाता है. क्योंकि जब जो सेल वॉल है प्रॉपरली रप्चर हो जाते हैं तो उससे जूसेस को एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी यूज पैक्टिनेज. ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, एंजाइम 1 इज प्रोटीएज एंड एंजाइम 2 इज पैक्टिनेज. ओके, now moving to the next question, this is from December 2013. So यहाँ पे ये question पहले के पढ़ने से पहले मैं बताऊँ कि question जो basically दिया गया है ये just given to you for the consuming your time. यहाँ पे questions जो है देने का इसके solution से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे हमें पता ये करना है कि कौन सा organism है जो कि कौन सा एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो लेट्स सी द क्वेश्चन. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग सी एंजाइम्स लाइक NADH, NADPH टू पाइरुविक एसिड्स, इट्स डेरिवेटिव्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. दोज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर रिड्यूस टू द एंड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड एक्सेट्रा. एंड प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सबस्ट्रेट. सो यहाँ पे हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड उनके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको मैच करना है बेसिकली. ठीक है, सो हमें फाइंड करना है फाइंड द करेक्ट मैच. सो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है, ये लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है. इसके अलावा हम लैक्टोबैसिलस और लैक्टोकोकस का भी इस्तेमाल करते हैं लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रीडियम. सो देर आर थ्री
main strains of the Clostridium that are used for the production of butyric acid. Okay, so I'll mention the names of these strains and bacteria. So maybe आप यहाँ देख सकते हो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड लैक्टोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. ओके, ब्यूट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोस्ट्रिडियम ब्यूट्रिकम या क्लोस्ट्रिडियम क्लोवेरियम क्लोवेरी और द क्लोस्ट्रिडियम पाश्चुरिनम. ओके, तो ये तीन जो है हम इस्तेमाल में लाते हैं. थर्ड है हमारा सैल्मोनेला. सैल्मोनेला का यूज हम करते हैं साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए. ओके, एंड द एंटेरोबैक्टर दैट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मिक एसिड. सो अब हम इसमें देख लेते हैं करेक्ट मैच कौन सा है. ए के लिए हो जाएगा बी. ओके, सो ओनली वन ऑप्शन वेयर द ए है बी. अगर हम यहाँ पे एक भी ऑप्शन करेक्ट मार्क कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. Thanks for watching my video. For more information and query, you can join me on Telegram. My channel is Life Science Tutorials. Okay? And guys, please subscribe my channel as well as Tutorials. Thank you. Bye-bye.